नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। इतनी मेहनत करने के बाद आज मेहनत का फल मिलने का टाइम आ गया ही गया है। और देखिए यहाँ पर छत पर कितने सुंदर करेले, यहाँ पर देखिए कितने सुंदर करेले, आज इनके हार्वेस्टिंग जाड़े में भी। और ये पौधा अपने आप निकल आया था, मैंने इनको हटा दिए थे पर ये पौधे अपने आप यहाँ पर निकल आए थे। तो काफ़ी बड़े बड़े साइज के करेले यहाँ पे हो गए हैं और एक एक वहाँ नीचे पर भी है। तो ये देखिए, ये इतनी अच्छी जो चीज़, कुछ पौधे जो अपने आप निकल आते हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। और इतनी भीषण ठंड में भी, दिसंबर का महीना चल रहा है और यहाँ पर ये देखिए ये करेले, कितने सुंदर करेले यहाँ पर मिल गए। छोटे छोटे से अभी बहुत सारे लगे हैं। और यहाँ पर देखिए ये शलजम, जो मेरी शलजम अब इस समय तैयार हो गई है, वो शलजम को भी हार्वेस्ट करेंगे आज। आज मैं आपको थोड़ी सी हार्वेस्टिंग अपनी दिखाऊँगा। और ये देखिए साइज, जरा शलजम का साइज देखिए कितना सुंदर साइज शलजम का आया है। और यहाँ से थोड़ी ही शलजम जो बड़ी हो गई है उसको ये देखिए कितना अच्छा साइज आया है शलजम का। तो जो जो थोड़ा सा गैप दे दी जाएगी शलजम को, तो जिसमें दूसरी जो छोटी साइज की शलजम है वो भी कलर देखिए कितना सुंदर, उसको भी बढ़ने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए ये देखिए कितनी अच्छी शलजम, बस यहाँ से इतना ही शलजम आज निकाल लेंगे हम, एक दो और निकाल लेंगे जो जो घनी हो जाती है। तो ये देखिए कितना अच्छा साइज शलजम का निकल के आया। तो इसके बाद में हम ये देखिए अब इनको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। यहाँ चुकंदर भी देखता हूँ कि चुकंदर भी बनकर रेडी हो गया है। तो चुकंदर भी देखिए कितना सुंदर चुकंदर, ये देखिए कितना बड़ा चुकंदर, चुकंदर का साइज देखिए इतना बड़ा चुकंदर बनकर तैयार हुआ है। तो इससे जो जो सब्जी आपकी बन के तैयार हो जाए उसको गमले से निकाल ही लेना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा साइज बन के तैयार हुआ चुकंदर का। तो इनको यहाँ पर रखता हूँ मैं अपनी सब्जियों में। और फिर इसके बाद में आज और क्या हार्वेस्टिंग होगी, तो आपकी भी छत के ऊपर इसी तरह से हार्वेस्टिंग चल रही होगी। जो आप लोगों ने मेरे साथ में सब्जियाँ लगाई थी तो उसकी हार्वेस्टिंग चल रही होगी। यहाँ पर देखिए मैं इनको ऐसे रख देता हूँ। तो ये देखिए इतनी सी चुकंदर और शलजम। अब यहाँ पर एक मेरी बहुत बड़े साइज की गोभी है जिसकी हार्वेस्टिंग होगी, जो कि एक ही मैंने केवल लगा दी थी, एक गमले में केवल एक ही गोभी लगाई थी और उसको मैं निकालता हूँ। ये देखिए ये निकल गई, देखिए हार्वेस्ट कितनी अच्छी गोभी, कितना बड़ा साइज गोभी का तैयार हुआ। इसको भी मैं अपना वहाँ पर रखता हूँ अपनी सब्जी के साथ में। और आप अभी भी टाइम है, अगर आपके पास पौध तैयार है तो अभी भी टाइम है कि आप अभी भी अपनी सब्जियों को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं अगर पौध आपको तैयार मिल जाए। पर आप बीज से अगर जाले वाली सब्जियां लगाएंगे तो बीज से टमाटर इधर तोड़ लेते हैं, कुछ चेरी टमाटर हमारे पास, तो इन चेरी टमाटर को भी जो पक गए हैं उनको निकाल लेता हूँ। ये चेरी टमाटर इतना फरा हुआ है, देखिए ये यहाँ से ये चेरी टमाटर, और ये इतना खट्टा होता है चेरी टमाटर कि इसको अगर आप सब्जी दाल में बड़े वाले टमाटर अगर ज़्यादा डालते हैं, इसको दो ही चार डाल देंगे तो बहुत अच्छा साइज चेरी टमाटर का है। और जितना पका हुआ फल है वो सारा तोड़िए और देखिए जरा जिस तरह से फरा, जैसे अंगूर लगा, देखिए कितना फरा हुआ है। और यहाँ पर ये पक गया तो पका हुआ भी निकाल लेना है। तो आप अब इस समय बीज से उगाने की कोशिश ना करें। और मैं अब मैंने इधर बीज भेजना भी बंद कर दिया है। अब बीज जब भेजूंगा तो गर्मी वाली सब्जियों के बीज भेजूंगा। इधर देखिए मूली का भी साइज बहुत अच्छा, मूली का साइज तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वही मूली है, देखिए जरा मूली का साइज देखिए कितनी सुंदर मूली, कितनी बढ़िया मूली यहाँ से
निकली है और एक मूली और यहाँ से निकाल ली जाएगी। इसका भी साइज देखिए, काफ़ी अच्छा साइज मूली का मिला है। बस दो ही मूली या तीन मूली निकाल ली जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी मूली यहाँ पर तैयार हो। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, किसी तरह का केमिकल, किसी तरह का पेस्टिसाइड यहाँ पर नहीं है कि डाला गया है, ना स्प्रे किया गया है, केवल ऑर्गेनिक चीज़ों का स्प्रे और किसी तरह का कीड़ा यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर हार्वेस्ट करेंगे अपनी गोभी और है यहाँ पर, और गांठ गोभी। देखिए गांठ गोभी भी यहाँ पर तैयार है बनकर, और ये गांठ गोभी भी यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये थोड़ी सी हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर साइज गांठ गोभी का आया है। एक और यहाँ से निकालता हूँ गांठ गोभी। इसका देखिए कितना अच्छा साइज आया है गांठ गोभी का भी। तो ये देखिए कितना अच्छा साइज गांठ गोभी का बनकर तैयार। तो जो सब्जी बन रेडी है उसको निकाल लेना चाहिए। और अभी गर्मी वाली सब्जी ये भी तैयार है, इनको एक ये भी तैयार है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इतना ही सब्जी यहाँ मिल गई। और यहाँ पर एक गोभी, ये भी गोभी तैयार है जो आम के गमले में मैंने लगा दी थी। तो ये देखिए ये भी गोभी बन के तैयार है। तो इधर देखिए आज इतनी सारी सब्जी मिल गई कि इतनी सारी सब्जी हम खा तो नहीं पाएंगे, इनको हमें बांटनी ही पड़ेगी मोहल्ले में, किसी ना किसी को देना। यहाँ देखिए एक बैगन भी रेडी है एकदम, इसको भी तोड़ लेते हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो अब आप गर्मी वाली सब्जियों की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर रेडी पौधा अभी आपको मिल जाए जाड़े में लगाई जाने वाली सब्जियों की, तो आप यहाँ पर धनिया भी देखिए। और इसमें केवल आप ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। जैसे ये धनिया अभी हम काट लेंगे तो इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइजर धनिया में देते रहेंगे। ये धनिया मेरी पाँचवीं बार धनिया कट रही है। तो धनिया को आप इस तरह से काटते जाइए और नई नई धनिया आपको निकलती रहेगी, नीचे से उखाड़िएगा नहीं, जड़ से। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखिए हमने धनिया, और ये धनिया वो देखिए यहाँ पर धनिया देखिए रेडी हो गई, तैयार हो गई। इनको हम रखते हैं अपने टेबल पर। इतनी सब्जी आज मिल गई है। तो आप अपनी छत के ऊपर आम, अमरूद, नींबू, मौसम्बी, संतरा, चीकू, सारे फल लगा सकते हैं, सारी सब्जियाँ उगा सकते हैं। और ये देखिए मेरी पूरी कुर्सी ही भर गई, इतनी सारी सब्जियाँ यहाँ, मूली, ये देखिए कितनी सारी सब्जी, ये देखिए आपको मिली, करेला मिला है, धनिया मिली है, बैंगन मिला है, गोभी मिली है, और मूली मिली है, शलजम मिला है, चुकंदर मिला है, गोभी मिली है। तो इतनी सारी पूरी कुर्सी भर गई है सब्जी से। तो यह अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।